विभिन्न स्थानों पर चोरी की बड़ी वारदातों का अंजाम देने वाली ईरानी गैंग के एक बड़े बदमाश को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद किया है। पकड़े गए बदमाश से चोरी की कई वारदातों का खुलासा भी किया है। विगत दिनों कस्बा देपालपुर के मेन बाजार स्थित श्रीनाथ ज्वेलर्स की दुकान में अज्ञात बदमाश दुकानदार प्रथम सोनी पिता नीलेश सोनी निवासी सुदामा नगर इंदौर के साथ ग्राहक बनकर आए। व्यक्ति ने बातों में उलझाकर दुकान से प्लास्टिक की डिब्बी में जिसमें सोने की नथ कुल कीमत 5,39,546 रुपए थे उसे चुरा कर ले गए थे। कस्बा देपालपुर बीच मार्केट में इस प्रकार की गंभीर वारदात होने से पुलिस महानिरीक्षक इंदौर हरिनारायण चारी मिश्र, पुलिस उप महानिरीक्षक शहर इंदौर मनीष कपूरिया, पुलिस अधीक्षक पश्चिम इंदौर महेश चंद्र जैन ने उक्त वारदात को तलाश पतासी के कड़े निर्देश दिए थे। उक्त निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू एवं एसडीओपी देपालपुर के मार्गदर्शन में निरीक्षक थाना प्रभारी मीना कर्णावत के नेतृत्व में एसआई दीपक राठौर, आरक्षक राजपाल गुर्जर, सुनील यादव, देवेंद्र गुर्जर, आर रवि सिंह तोमर, सुधीर शर्मा, राजेश चौहान की टीम गठित की गई। टीम द्वारा देवास नेवरी आष्टा के पारदी कंजरों के ढेरों में सीसीटीवी फुटेज में आए आरोपी के फोटो को बताकर पतासी करते ज्ञात हुआ कि उक्त वारदात ईरानी गैंग द्वारा की गई है। इस पर ईरानी बस्ती भोपाल में फुटेज के आधार पर तलाश पतासी कर आरोपी बदमाश मस्तान पिता असगर अली जाति ईरानी निवासी अमन कॉलोनी थाना निशादपुरा जिला भोपाल को पकड़ा। उसके कब्जे से 96,060 ग्राम कीमत करीब 4,50,000 रुपए सोने के जेवर बरामद करने में सफलता मिली है। उक्त बदमाश जिला सीहो देवास में भी वांटेड है। उक्त प्रकरण में नगर सुरक्षा समिति के सचिन सोलंकी का सीसीटीवी फुटेज व फोटो तैयार करने में सराहनीय सहयोग रहा। श्रीनाथ ज्वेलर्स जो है वहाँ पर दिन दहाड़े चोरी की गई थी जिसमें लगभग 147 ग्राम सोने की चोरी हुई थी जिसमें नथें थी सोने की जिसकी एक पूरी डिब्बी चोरों के द्वारा जो बदमाश थे उनके द्वारा चुरा ली गई थी जिसके तलाश में हमें हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त हुए और हमने एक टीम का गठन किया और उस टीम के द्वारा जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए थे उनके आधार पर जो बदमाश थे उनकी फुटेज प्राप्त हुए और उसी आधार पर तलाश करते हुए हम आगे तक बढ़े तो हमें देवास नेवरी और आस्था जो है वहाँ पे जो पारधी कंजर थे उन व्यक्तियों से इनके संबंध में पता चला कि ये लोग ईरानी गैंग के सदस्य हो सकते हैं तो इसी आधार पर उनकी तलाश की गई और हमारी टीम ने भोपाल निशादपुरा में पहुंचकर वहाँ पर ईरानी गैंग में अगर तलाश करने पर इसकी जानकारी प्राप्त हुई जिसमें जो मुख्य आरोपी है मस्तान जिसकी गिरफ्तारी कल दिनांक को की गई और इसमें लगभग 96 ग्राम सोने की प्राप्ति हमें हुई है। मैम इस घटना के अलावा और कोई भी घटना आरोपी ने कबूली है? कोई देपालपुर से दोपहर न्यूज़ के लिए दिलीप सिंह खेर की रिपोर्ट।